आपके लिए ब्लैक कैरेट आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ। इसके लिए मैंने 2 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है और 1 कटोरी फ्रेश क्रीम ली है। आप चाहें तो अमूल क्रीम भी यूज कर सकते हैं। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच शक्कर ली है। शक्कर आप चाहें तो थोड़ी बहुत बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये देखिए, इस पे मैंने थोड़ा सा वैनिला एसेंस डाल दिया है। अब इस सभी चीजों को मिक्स करके हम फ्रीजर पे सेट होने के लिए रख देंगे। ऊपर से सिल्वर फॉइल लगा दिया है मैंने, जिससे कि बर्फ ना आए इस पे क्रिस्टल। अब ये सेट हो रहा है, जब तक तब तक हमने 2 बड़े चम्मच मिक्स फ्रूट जैम लिया है, उसको अच्छे से बीट कर देंगे। ये देखिए, फोक के हेल्प से मैंने बहुत अच्छे से उसको बीट कर दिया है। एक बार मैंने इसको फ्रीजर से निकाल के मिक्सचर को दोबारा बीट कर दिया और फिर इसको सेट होने के लिए रख देंगे। जितना ही आप मिक्सचर को बीट करेंगे, उतनी ही आपकी आइसक्रीम अच्छी बनेगी। ये तीसरी बार मैंने इसको मिक्सी के जार में डाल के बीट किया। इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे, जिससे मिक्सी चलाने में हमको प्रॉब्लम ना आए और मिक्सचर भी अच्छा फ्लफी हो जाए। ये देखिए, हमारा मिक्सचर बहुत ही अच्छे से फ्लफी हो गया है। अब हम इसको सेट करते हैं। आधा मिक्सचर हमने कंटेनर में डाल दिया और उसके ऊपर से हमने ये मिक्स फ्रूट जो हमने बीट करके रखा था उसको फैला दिया। थोड़ा सा टैप कर देंगे और उसके बाद टूथपिक की हेल्प से इसको जैम को अच्छे से फैला दिया मैंने। अब जो मिश्रण हमारा बचा हुआ था उसको फिर से ऊपर डाल देंगे और उसके ऊपर से हमने जो मिक्स फ्रूट का जैम बीट करके रखा था वो डाल देंगे और टूथपिक की हेल्प से पहले की तरह फिर से उसको फैला देंगे। ये आइसक्रीम बहुत ही जल्दी बनने वाली और बहुत ही टेस्टी है। आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। इसको टूथपिक की हेल्प से देखिए मैंने फैला दिया और ऊपर से डेकोरेट करने के लिए चोको चिप्स डाल दिए हैं। अब इसको सेट करने के लिए हम रख देंगे। आपके पास एयर टाइट कंटेनर हो तो ठीक, नहीं तो सिल्वर फॉइल लगाकर आप इस तरह से पैक कर सकते हैं। ये देखिए, हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। अगर ये आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।